हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जो दोस्त इस बार एमएड इंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, वो इसकी स्क्रीनशॉट खास तौर पे ले लें, क्योंकि यह स्क्रीनशॉट बड़ा ही खास है। इसमें है क्या? इसमें दिया गया है कुछ प्रमुख शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक और उनकी प्रमुख पुस्तक के नाम दिए गए हैं। और दोस्तों, एमएड इंट्रेंस एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बुक का नाम दे दिया जाएगा कि डेमोक्रेसी एंड इन एजुकेशन के लेखक कौन हैं, और तीन चार ऑप्शन तो जॉन डीवी हैं। तो देखिए, जॉन डीवी के द्वारा लिखे गए प्रमुख पुस्तकों के नाम डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी, बीइंग फ्री लेक्चर्स, मोरल प्रिंसिपल इन एजुकेशन, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, आर्ट एंड एक्सपीरियंसेस। ये सारी किताबें जॉन डीवी के द्वारा लिखी गई है। इसी प्रकार से पाउलो फ्रेरे ने क्या लिखा है, मारिया मोंटेसरी ने कौन से बुक्स लिखे हैं, बर्ट्रेंड्स रसेल ने, टीपी नन ने और रिचर्ड स्टेनल पीटर्स ने, इन सारे के डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इमैनुअल कांट, हैनल ब्रॉक, ईएल थॉर्नडाइक की बुक एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बड़े ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। तो ईएल थॉर्नडाइक की प्रमुख किताबों में एजुकेशन अ फर्स्ट बुक और एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन साइकोलॉजी और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्वान्टिटिव स्टडीज। ये सारी किताबें ए एल थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई हैं। और डब्ल्यू एच कैलिप्टस, एस राधाकृष्णन, इनसे भी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एस राधाकृष्णन के। एस राधाकृष्णन देखा जाए, इंडियन फिलोसफी, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, साइकोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म, द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर एस राधाकृष्णन ने लिखा है। इस प्रकार से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जीन पियाजे और डेविड असुबिल, रॉबर्ट एम गैनन, इस ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें बी एफ स्किनर के भी दिए गए हैं। बी एफ स्किनर ने लिखा था द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग अबाउट बिहेवियरिज्म। ओके, ये पहला बुक हो गया द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, और दूसरा अबाउट बिहेवियरिज्म, तीसरा आर थियरीज ऑफ लर्निंग नेसेसरी और वर्बल बिहेवियर्स, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर्स, महात्मा गांधी की भी किताब है, टूवर्ड्स न्यू एजुकेशन टू द स्टूडेंट। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इसके स्क्रीनशॉट ले ले। अगर हाँ, तो अब आइए कुछ प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न, और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के पुस्तक के लेखक हैं कौन है? हमने इसे पढ़ा था, जॉन डीवी महोदय हैं। उत्तर भी आपका यहाँ पे दिया गया है, जॉन डीवी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए। द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो जी हाँ, हमने अभी पढ़ा है, मारिया मोंटेसरी द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड के लेखक है। एजुकेशनल थियरी, जी हाँ, एजुकेशनल थियरी का इमैनुअल कांट, और पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात की गई, द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, इसको थॉर्नडाइक ने लिखा है। फाउंडेशन ऑफ मेथड इनफॉर्मल टॉक्स ऑन टीचिंग, इसको लिखा है डी एल यू एस कैलिप्टस ने लिखा है। और द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, इसको किसने लिखा है? इसको जीन पियाजे ने लिखा है। उत्तर भी इसके साथ दिया गया है। और प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, क्योंकि चलिए इंग्लिश की चीज़ें हिंदी में लिखे तो पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। द प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को लिखा है रॉबर्ट एम गैने ने। और पुस्तक द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग को किसने लिखा है? बी एफ स्किनर ने लिखा है। और द इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल थॉट को लिखा है इस्माइल खुर्रम ने। और किस मनोवैज्ञानिक ने टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पुस्तक लिखी है? तो इसके लेखक हैं बी एस ब्लूम। दोस्तों, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, उनमें से कुछ प्रश्न इससे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। बाकी आप सबको पता है दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से बन सकते हैं, हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ प्रमुख जो इस किताब में दी गई है, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। शायद इससे अगर एक दो प्रश्न आपको मिल जाता है तो आपका एक दो नंबर और बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप यहाँ ए एल थॉर्नडाइक तक की स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए, ए एल थॉर्नडाइक के बाद की स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। दो स्क्रीनशॉट, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि पेज साफ होगा। और लास्ट ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें बी एफ स्किनर, इमाइल दुखर्रम, बी एस ब्लूम और महात्मा गांधी के बुक्स दिए गए हैं।
और ये क्वेश्चंस ले लीजिए और इसके आंसर्स भी, और इसको एक बार ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, और अगर एंट्रेंस एग्जाम में आता है तो प्लीज़ वो सही विकल्प चुनिए। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एमएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे नंबर, अच्छे रैंक मिलेंगे और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।